मुझे संतोष इस बात का कि जिस प्रकार से हमने प्लान बनाया था उस हिसाब से हमको सफलता भी मिली और मुझे समझने सीखने का मौका भी मिला। हमारी सारी टीम ने एकजुटता के साथ जिस ढंग से यहाँ काम किया है, आने के पहले प्रॉपर हमारे लोगों ने यहाँ आकर के होमवर्क किया, उनने आने के बाद इस योजना से कि इस यात्रा का प्रत्येक मिनट प्रत्येक कार्यक्रम सफल हो, मैं अपने लोगों को बधाई देना चाहूंगा। एकजुटता के साथ अच्छी प्लानिंग जब बनाते तो रिजल्ट अच्छा आते। सर, निवेश के तौर पे यूके से आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिला, काफी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, जर्मनी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जर्मनी से भी वही मिल रहा है, जर्मनी तो और आगे जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जर्मनी के अंदर एक अंदर की एक आग है जिस आधार पर उनने यहाँ की भविष्य की चुनौतियों को समझ लिया है। आबादी की संकट है, बाकी आसपास की कई सारी चीजों के जो परंपरागत रूप से जिनके आधार पर जर्मनी आगे बढ़ता है उनकी कई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बीच में से जर्मनी ने अपना रास्ता ढूंढ रहा है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को बाकी देशों में जाकर शेयर करे और उसके भरोसे से वो अपनी भविष्य की यात्रा पूरी करे। ऐसे कई प्रस्ताव हमको मिले जिस आधार पर मध्यप्रदेश को इसी भरोसे से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और प्रत्येक सेक्टर में जिसमें हम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, एग्रीकल्चर का हो, हमारा AI का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, नई टेक्नोलॉजी का हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, सभी सेक्टर में अच्छा रिस्पांस है। सर, जब आपने मिनिस्टर से और CEO से बात करी तो जो इंडिया स्टोरी है वो आपने कैसे बताई? जैसे डिजिटल पेमेंट में इंडिया बहुत आगे है, अगर यूरोप में कोई बस चल रही है तो उसका इंजन हम मान सकते हैं कि पीतमपुरा में बना होगा, तो आपने किस तरह से उनको इंडिया स्टोरी समझाई? और मध्य प्रदेश में जो जर्मन वालों को समझाना नहीं पड़ता है, जर्मन वाले समझते भी सब है और भविष्य को पढ़ते भी अच्छे से। और मुझे इस बात का संतोष है कि वो मध्यप्रदेश की प्रगति से अवगत है, यशस्वी प्रधानमंत्री के सुशासन से अवगत है और यही कारण है कि वो अपने चांसलर को पिछली यात्रा से भी जोड़ के माननीय मोदी जी की मुलाकात से भी देखकर भविष्य में आगे बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ते मध्यप्रदेश में शामिल होकर वो अपनी भविष्य की व्यापारिक उड़ान लेना चाहते हैं। सर, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही आपका पहला ब्रिटेन और जर्मनी का दौरा है, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें जो इंडिया का यूके से है और जर्मनी से है, वो कैसा है? देखो, ये अतीत से ही हमारे संबंध है। जर्मनी तो हमारा वो राज्य है, वो देश है जिससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के पहले से यहाँ से संबंध बनाए हैं। जर्मनी सदैव भारत का प्रशंसक रहा है, हमारी साझा विरासत बहुत गौरवशाली रही है, हमारे वेदों को दुनिया से परिचित कराने वाला अगर कोई देश है तो ये जर्मनी है, जिसमें मैक्स मुलर साहब ने कई साल पहले हमारे इस वेदों का अनुवाद करके दुनिया को वेद के उस ज्ञान से परिचय कराया है, संस्कृत के ज्ञान से परिचय कराया है। साझा संस्कृति में हमारी जर्मनी से सदैव संबंध हमारे बहुत अतीत के काल से बहुत अच्छे हैं। अगर जर्मन भाषा का व्याकरण, जर्मन भाषा का अतीत का इतिहास हम देखते हैं तो कोई बहुत भाषा ऐसी है जो संस्कृत के नजदीक है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ जर्मन भाषा सबसे ज्यादा नजदीक है इसके तो संस्कृत से नजदीक है। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है भोपाल में, उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे इस बात का संतोष है कि अधिकांश लोगों ने जिनने आज हमसे बात की, व्यक्तिगत बात की, सामूहिक बात की, अलग से अपना व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, वो मध्यप्रदेश से जुड़ना चाहते हैं और कई लोगों ने स्वतः ही कहा कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का आपको आश्वासन दे रहे हैं और यही बात उत्साह बढ़ाने वाली भी है। सर, कल आप स्टुटगार्ट भी जाएंगे, वहां पे हम आपकी यात्रा कैसी रहेगी? और हम देखो, यात्रा का उद्देश्य है कि हम अधिकतर अपने समय का सदुपयोग मध्यप्रदेश के लिए, मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, औद्योगिकरण के लिए, देश और दुनिया के सामने मध्यप्रदेश की एक सशक्त आर्थिक ताकत बनाने के लिए हम काम करें और इसीलिए हमने प्रतिपल प्रतिमिनट इस बात का ध्यान दिया है। और मैं तो आज जिस ढंग से जर्मनी और यूके के दौरे के बाद कह सकता हूँ कि हमारे जितने बौद्धिक क्षमता संपन्न युवा है उनके लिए ये जो दौरा एक अलग प्रकार का अवसर लेकर आ रहा है, जब हम अपने सभी तकनीकी संस्थानों के अंदर यहाँ की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ के इन्वेस्टरों को साथ खड़ा करके उनके लिए बहुत अच्छे अवसर की उपलब्धि देना चाहते हैं तो इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। सर, ब्रिटेन में आपने इंडियन डायस्पोरा से इंटरेक्ट किया, आप जर्मनी में भी करेंगे और जब जर्मन चांसलर की विजिट हुई थी तो स्किल्ड वर्कफोर्स की बात हुई थी कि कैसे इंडिया से जर्मनी आ सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जर्मनी हो या इंग्लैंड हो, यहाँ पर भारतीय बौद्धिक क्षमता की बहुत गुंजाइश है। हमारे यहाँ ये भी एक बात है कि मध्यप्रदेश हो या पूरा देश हो, हमारे यहाँ
स्किल में बड़ी संभावना है, और अगर इनको भाषा का थोड़ा ज्ञान करा दें तो ये हमारे लिए वर्कफोर्स बनकर के मध्यप्रदेश को, देश को यहाँ से उनके एक संबंध जोड़ते हुए, यहाँ बड़े पैमाने पर देश तो बहुत धनी है लेकिन मैन पावर की कमी है, तो ऐसे में मैन पावर हम दे दें और ये हमको टेक्नोलॉजी दे दें, एक दूसरे के पूरक बनकर के हम आगे बढ़ेंगे। सर एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी यूके को पीछे छोड़ के, तो आपको उसके लिए क्या कहना है? नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल ये स्वर्णिम कार्यकाल है, हम सबका सौभाग्य है कि वो हमारे नेता हैं और हमारे नहीं वो दुनिया के लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़े एक प्रतिमान बन के उभरे हैं, जिनके आधार पर दुनिया उनको हर एक कोई, हम तो हमारे लिए तो आनंद ही, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान उसके भी पोजीशन के लीडर तक कहते काश मोदी जी हमारे होते, इससे अच्छी सौभाग्य की बात क्या होगी। वो ग्लोबल लीडर है और उनकी विजन से देश आगे बढ़ रहा है और उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के नाते से मध्यप्रदेश सरकार को हम आगे बढ़ा रहे हैं।